नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। गांजा पीने के दौरान दोस्तों में हुई बहस, एक ने दूसरे का गला रेत दिया। मोतिहार के मधुबन में दो दोस्तों के बीच बहस ने उस वक्त हिंसक रूप ले लिया जब एक दोस्त ने मामूली बात पर दूसरे दोस्त का गला रेत दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार के मोतिहार में दो दोस्तों के बीच गांजा पीने के दौरान झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का गला रेत दिया। इस घटना में वह बुरी तरह घायल हो गया। आनंद फानंद में परिजनों ने उसे मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वही दूसरा दोस्त जब घर पहुंचा तो उसकी संदिग्ध मौत हो गई। सूचना मिलते ही मधुबन थाना और डीएसपी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहार सदर अस्पताल भेज दिया। यह मामला मधुबन थाना क्षेत्र स्थित कौड़िया गाँव का है। जानकारी के मुताबिक रंजन पासवान और नवीन सिन्हा गांजा पी रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस बीच रंजन ने नवीन के गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। वारदात के कुछ देर बाद रंजन का भी घर से खून से लथपथ गला रेता हुआ शव बरामद हुआ। इसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना परिजनों ने मधुबन पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जांच शुरू कर दी है। बिहारी के मोतिहारी में दो दोस्तों के बीच गांजा पीने के दौरान झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक दोस्त ने दूसरे का गला रेत दिया। इस घटना में वो बुरी तरह घायल हो गया। आनंद फानंद में परिजनों ने उसे मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दूसरा दोस्त जब घर पहुंचा तो उसकी संदिग्ध मौत हो गई। सूचना मिलते ही मधुबन थाना और डीएसपी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया। मामला मधुबन थाना क्षेत्र स्थित कौड़िया गाँव का है। जानकारी के मुताबिक रंजन पासवान और नवीन सिंह गांजा पी रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस बीच रंजन ने नवीन की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। वारदात के कुछ देर बाद रंजन का भी घर से खून से लथपथ गला रहता हुआ शव बरामद हुआ। इसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना परिजनों ने मधुबन पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। मृतक रंजन के परिवार इस हत्या के पीछे नवीन और उसके भाई पर शक जता रहे हैं। मृतक की मां और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले में मोतिहारी के डीएसपी सुमन सौरभ यादव ने बताया कि नशे की हालत में दो दोस्तों के बीच हिंसक झड़प में एक दोस्त की मौत हो गई, दूसरा दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगा रही है और जांच के बाद इस मामले का खुलासा कर सकेंगे। बिहार के मोतिहारी में दो दोस्तों के बीच गांजा पीने के दौरान झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक दोस्त ने दूसरे का गला रेत दिया। इस घटना में वह बुरी तरह घायल हो गया। आनंद फानंद में परिजनों ने उसे मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दूसरे दोस्त जब घर पहुंचा तो उसकी संदिग्ध मौत हो गई। सूचना मिलते ही मधुबन थाना और डीएसपी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल में भेज दिया। यह मामला मधुबन थाना क्षेत्र स्थित कौड़िया गाँव का है। जानकारी के मुताबिक रंजन पासवान और नवीन सिंह गांजा पी रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस बीच रंजन ने नवीन की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। वारदात के कुछ देर बाद रंजन का भी घर से खून से लथपथ गला रहता हुआ शव बरामद हुआ। इसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना परिजनों ने मधुबन पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।